खूबसूरत गोल्डन आर का नज़ारा, बढ़िया एकदम प्रॉपर, अभी दिख नहीं रहा है इतना शानदार। जय श्री राम सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है ना शाम को हो रही है यार। मैं निकला हूँ घर से, आज शनिवार है, एक तो अपने को बालाजी महाराज के मंदिर जाना है और दूसरा क्या है ना कि अपने को एक भैया से मिल करके आना है, कुछ काम से रिलेटेड बात करनी है। उन्होंने मेरे को कोई काम बताया था। भयंकर ट्रैफिक हो रहा है भाई साहब, शाम का टाइम है ना यार, और ये बीच में ई रिक्शा जो है ये ट्रैफिक के अंदर मेन अड़ंगे लगाते हैं। करीब करीब 2-4 महीने पहले मेरे को सुनने में आया था, लोगों ने बोला था कि बोले भाई साहब राजस्थान सरकार जो है ना ई रिक्शा के ऊपर कुछ सख्त है ना, मतलब कुछ लाने वाली है कि यार ये जो है ना जो इनके लीगलाइज इनके होंगे ना उनके चलेंगे, बाकियों के बंद होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। बाकी आप लोग अपने भाई एल्विश को सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? एल्विश यादव जो है वो बिग बॉस के अंदर फिनाले के अंदर आ चुका है और फुल ऑन सिस्टम जो है ना वो हैंग कर देना है, और सबके सब उसको सपोर्ट करो यार। अगर आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है तो जाकर के है ना आप लोग जियो सिनेमा ऐप को है ना डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, जाकर के डाउनलोड कर लो। मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर करके फिर कंटेस्टेंट दिख जाएंगे आपको, उसके अंदर एल्विश यादव दिखेगा, एल्विश यादव पे क्लिक कीजिए, नीचे वोट नाउ कीजिए, ऐसे करके आप नॉन स्टॉप मल्टीपल टाइम्स वोट कर सकते हैं। भाई को कैसे भी करके जिताना है। पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि है ना भाई साहब ये जो रोड है ना इसकी इतनी अच्छी हालत देख रहा हूँ मैं। ये देखिए कि ढक्कन जो है ना इसके आसपास भी ढंग से काम हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रही है यार पिछले 1.5 साल में पहली बार। किसी को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर के मेरे पुराने ब्लॉग्स चेक कर लो, पुराने से पुराने ब्लॉग के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा कि जब भी इसके अंदर काम हुआ ना पहली बार तो बहुत बहुत टाइम तक डिले रहा, और जब भी काम हुआ ना तो पैचेस लगाए गए, पब्लिक को बहुत परेशानी हुई। एक तो गड्ढा था ये मेन रेड लाइट पे, ये है ना 3-4 महीने के अंदर अंदर रिपेयर हुआ है। ये तो यार मेन सिविल लाइन्स की हालत है यार जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, जो कि सबसे प्राइम लोकेशन है पूरे राजस्थान की। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यार आज है ना पेस्ट्री खा करके काफ़ी अच्छा लगा, मन था यार, काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, और क्या है क्रेविंग्स वगैरह काफ़ी टाइम से तो मेरी शांत थी लेकिन आज हुई ना, तो फिर मैंने कहा कि यार खा लेते हैं। मार्बल चॉकलेट जो पेस्ट्री है वो खाई मैंने, सच में अच्छी थी। सनराइज़ बेकरी हवा सड़क से खाई है मैंने जयपुर के अंदर, बढ़िया एकदम प्यारी, मज़ा आ गया खा के। बढ़िया जाम लग रहा है ना देखो, क्योंकि अपन आ चुके हैं बालाजी महाराज के मंदिर के जस्ट सामने, बस मंदिर के सामने पहुँच जाएंगे अभी, और आज शनिवार है, सैटरडे तो भीड़ तो होनी बनती बनती है। और भीड़ हो भी क्यों ना यार, बालाजी के जो फैंस हैं, बालाजी के जो भक्त हैं, प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं, उनकी कोई कमी थोड़ी है, दबा के खूब भर भर के भक्त हैं यार। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये सारे प्रसाद वाले भाइयों की स्टॉल लगी हुई है देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी की पूरी है प्रसाद की जो स्टॉल है, ये मंगलवार और शनिवार को लगती है। अपने को गाड़ी की स्पेस मिलनी नहीं है मेरे को पता है खड़ी करने के लिए, लेकिन मंदिर जाना जरूरी भी है आज तो, ऐसा नहीं है लेकिन आज जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कारण बताता हूँ मैं आपको, रैम बनवा दिया यार नया यहाँ पे, वरना कोई रैम वैम नहीं था और बहुत गंदगी पड़ी रहती थी, पर देखो अब रैम बन गया है बढ़िया, बीच में से टूटा हुआ है, इसको भी शायद सही कर देंगे अभी कुछ दिन में। दर्शन कर लिया यार बालाजी महाराज के, और मैं आपको ये बताना चाह रहा था मंदिर आना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि जो है मेरा जो दोस्त है ना यार उसका बैंगलोर से फ़ोन आया मेरे पास में, और वो मेरे को बोलता है कि बोले यार हमारा एक और घनिष्ठ मित्र है, मतलब स्कूल बैचमेट ही है, नर्सरी बैचमेट तो नहीं है, 8th-9th से है, तो उसका कोई शायद है ना एक्सीडेंट हुआ है, कितना सीरियस हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्त ने मेरे को कहा बैंगलोर से जिसका फ़ोन आया था कि बोले भाई यार तू जा करके एक बार पता कर, तो मैं मंदिर इसलिए रुका, मैंने कहा यार मंदिर में एक बार ढोक ज़रूर दूंगा उसके नाम की कि नहीं यार भाई के कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई हो। रात के 12 बज गए यार और जस्ट मैं अभी घर पहुँचने वाला हूँ, उस दोस्त के घर पर गया था उसके हालचाल पूछने, उसके हाथ से और इधर उधर से मांस फटा हुआ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में उसकी रिब्स भी है ना मतलब 4-5 है ना क्रैक हुई हैं, अंदर दिमाग में भी उसके चोट पहुंची है, इस वजह से क्या है उसके दिमाग की भी गोलियां मतलब चल रही हैं, माइंड की भी गोलियां, और है ना साथ में क्या है कि हार्ट की भी है ना दवाई उसकी चालू हुई है, और बहुत ज़्यादा पेन में है भाई। लेकिन क्या है भगवान का बहुत बहुत यार धन्यवाद करूँगा मैं सच में बालाजी महाराज का कि यार बच गया यार, बचपन के दोस्त हैं यार ये लोग यार सच में। इसको क्या है टाटा पिकअप ने ये एक्टिवा से अपने ऑफिस के पास से सिर्फ है ना खाना लेने के लिए खाने के लिए जा रहा था 1-2 किलोमीटर, और बाई चांस है ना उसी दिन इसने जो है ना मोबाइल है ना अपने ऑफिस छोड़ दिया, उस पिकअप वाले ने जो है इसके टक्कर मारी है, ये किसी और को बचा रहा था उसके चक्कर में पिकअप वाले ने है ना इसके है ना दे दिया, और तो और फिर उसके बाद भाग गया है क्या हुआ, लेकिन डायरेक्ट इसके क्या है कि यार सीधे है ना हॉस्पिटल के अंदर ही आँखें खुली हैं, 3-4 घंटे खुली नहीं, ICU में भी रहा ये, बस यार मतलब ज़्यादा तो क्या बताऊँ, लेकिन धन्यवाद बहुत बहुत भगवान का। और मेरा व्लॉग यहाँ तक का देखा है तो लाइक करके जाइएगा, बड़ों का विशेष तौर से सम्मान करें।